अमूमन तौर पे सरकार का बड़ा दबदबा होता है बाय इलेक्शन विच, पर जिहड़ी ये सरकार है ये मुकम्मल तौर पे 2 साल च फेल हो चुकी है बुरी तरीके दे नाल। हर फ्रंट ते अज किसान मंडियां च पिया रोई जा रहा है। कोई व्योंतबंदी नहीं सी भी किवें माल चकना, इन्हां नूं पहलां पता होना चाहिए भी साडा जिहड़ा मंडियां च अराइवल आने वाली है, माल आने वाला है, इहदा असीं की इंतजाम करना है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बुरा हाल है, पंजाब दे सिर करजे नाल पंजाब डुब्या पिया है। पता नहीं लग रहा भी सरकार कौन चला रहा है, चीफ मिनिस्टर चला रहा है, एडवाइजर चला रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति चला रहे हैं। सो लोगों की पूर्ण बेविश्वासी सरकार के खिलाफ हो गई है। सो मैनू लगता है कि जिस प्रकार 7 सीटा से लोगों ने एक सुनेहा दिता से भी आने वाला जो भविख है कांग्रेस का, लोगों को यह समझ आ गई है, लोग बड़े सियाने हो गए, लोग चंगे बंदे वोटा पाना चाहते हैं। 7 सीटा 13 च उन्होंने सानू दी है, लोगों को यह समझ है कि बीजेपी के पंजाब च कदे पैर नहीं लग सकते क्योंकि उन्होंने पंजाब के नाल बड़ा वितकरा किया है। एवं अकाली दल बहुत बुरी तरीके दे नाल टुट चुके हैं, जिस प्रकार के हालात है हजे तक उन्होंने कैंडीडेट नहीं एलाने, सुनया जा रहा है कि एलानने है कि नहीं एलानने ने, की गड़बड़ है, की गिटमिटी है। मैं क्या जी वो चुनाव ही ना लड़े तो खत्म हो जाएंगे मुकम्मल तौर पर, उन्होंने होंद खत्म हो जाएगी। हुण रहेगी आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी के एंटी इनकमेंसी के हालात जो मैं तुम्हें दसे। सो मैनू लगता है कि ये 4 सीटा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चंगा परफॉर्म करेंगे, सच्चे पातशाह कृपा करेगा और वधिया जित प्राप्त करांगे। सिंह साहब लोकसभा दे विच तुसीं वधिया परफॉर्म कीता है, इस बार जिम्मी चोणां दे विच कहा जांदा कि सत्ताधारी फिर दा दबदबा हुंदा। मैं देखो गल है, दबा तो हुंदा है पर सत्ताधारी धिर नूं कई वारी मूंहां दी विखाणी पैंदी है, और गिद्दड़बा दे लोकां ने तो हमेशा इतिहास रचदे आ। इन्होंने 1995 तो लैके हुण तक ये जदों जदों ये फतवे फिर सरकारां दे खिलाफ दिंदे रहे। सो चलो मुबारक उन्होंने, हर पार्टी ने आपदे मनप्रीत बादल मुकाबले च ने बादल बादल अपना बहुत करते रहे हैं, लगता दूसरे पासों भी बादल ही आनी है इस वजह नाल। चलो मैं तां पर पब्लिक दे विच एक विचारधारा बंदी जा रही है कि जिहड़े बादल्स दोनों ने वो शायद आमणे सामणे चुनाव नहीं लड़नगे, क्योंकि ये वारी वारी वक् वक् उम्मीदवारां ने कहा। मैं तो पहले ही कहिंदा सी, फिर सरूप सिंगला जी ने गल की, फिर डिंपी ढिल्लों ने आप मन गए, हालांकि पिछली वारी भी हो। सो हुण ये देखना कि होंद की लड़ाई अकाली दल अपनी बचा सकता कि नहीं सकता। अगर ये विचारधारा बन गई लोगों की जिहड़ी हैगी सी, क्योंकि पहला ये सी अमरिंदर सिंह ते अकाली दल, अमरिंदर सिंह ते सुखबीर रले हुए है, लोग फिर माफ नहीं करते, दोवें रगड़ते। हुण ये विचारधारा बन गई भी बीजेपी च हुण ये बन गई भी हुण 2000 जो पहला मनप्रीत बादल नूं टिकट मिली सी उदों भी वह जान के हारिया सी हरसिमरत कौर को, जो राजा वड़िंग लड़िया उदों हराया नाल गया सीगा, उत्थे बींग ए मिनिस्टर सरूप सिंगले नूं हराया गया, फिर इत्थे आके कांग्रेस ही हुंदिया उन्होंने ढिल्लों साहब की मदद की पिछले बाई इलैक्शन, तो हुण लोगों च यह गल घर कर गई है कि बादल साहब ते मनप्रीत बादल इकट्ठे जापते ने जे वह चुनाव नहीं लड़ते। गल तो यह 99% तय है, लोगों को पता होंगी है। इस गल दे नाल बहुत वड्डा डैमेज हो जाता है, जां तां एक हो जाओ जां कह दिओ भी असीं इकट्ठे हैं, जां कह दिओ भी साडा प्रयार हैगा असीं एक दूजे दे सामने नहीं लड़ांगे, पर जिहड़ा चोरा छुपी दा छुपा छुपी दा खेल है ना, जदों ये व्यक्ति खेलता है उदों मर जाता है। देखो जी मैं किसी बारे कुछ नहीं कहना चाहता, पर एक मैं कहना चाहना कि अजक लोग तुसी देखो बिट्टू चुनाव क्यों हारे, उन्हें कांग्रेस से चुनाव जीत जाना सी, बहुत नौजवान साथी सीगा, वो पार्टी बदलने करके चुनाव हार गया। हुण लोग पार्टी बदल रहे, उन्होंने कह दे रहे, हुण लोग उन्होंने ये कहने भी तुसी बादल वाले क्यों छड़ के आ गए, जिन्हें बादल वाले ने थोड़ा इतों तक पहुँचाने च काम किया, जो वो टिकट ही ना देंगे थोड़ा हल्का इंचार्ज ही ना बनाते तो गल किवें बनती। सो लोगों के मन के रोस है भी रात रात जो तुम पार्टी के कपड़े बदलते हो उस गल के खिलाफ लोग सुनेहा देंगे, तो लोगों ने सुनेहा पार्लीमेंट के चुनाव के दिता। हुण मनप्रीत बादल ने कोई पार्टी छड़ी नहीं, कांग्रेस PPP अकाली दल BJP हरेक जाके कहते भी मैनू तो मेरे कहने मतलब वो हेट कर दे लोग, इस करके तो उतों बठिंडे छड़ के इतने आ गए। राजनीति च विरोधी असली वो होंगे जो नाल दे विरोधी सलाह दे दे, अकाली दल की सलाह दोगे लड़े ना लड़े। सुखबीर सिंह बादल नू मेरी बेनती है, अगर अकाली दल नू जिंदा रखना है
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਆਪ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਰਲੇ ਵੇ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹਰ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਰਨਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਗਿੱਦੜਵਾਲ ਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸੱਤਿਆ ਹੈ,